बता दें कि औपचारिक तौर पर अब से कुछ देर बाद इसकी पुष्टि होगी। जो अंदर ऑफिशियल्स मौजूद हैं और यहां तक के परिवार के लोग मौजूद हैं, उन्होंने इंडिया टीवी को कंफर्म किया है फोनिक इंटरव्यू में और ये बताया है कि पाइप थ्रू हो चुका है, वेल्डिंग का काम जारी है और इसी वजह से जो एनडीआरएफ और साथ में जो रेड माइनर्स हैं वो उसे थ्रू कर चुके हैं और किसी भी वक्त वो जो निकालने का काम है वो शुरू किया जा सकता है अब से कुछ देर बाद। इसीलिए यहां पे स्टैंड बाय के तौर पर एम्बुलेंसेज यहां पर करीबन 25 की संख्या में बुलाई गई हैं और हर एक एम्बुलेंस के अंदर 2 की संख्या में जो लोग हैं वो जाएंगे जो 41 जिंदगियां अंदर हैं। उसके साथ साथ जो परिवार के लोग हैं उनको कहा गया है कि यहां से चिन्यालीस और की तरफ जाएं। सभा अहमद जो कि यहां पे सीनियर सुपरवाइजर है गब्बर सिंह नेगी, ये 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरा 17 दिन इन सबको संभाला है, इनके परिवार के लोगों का अंदर एक्सेस है और खुद सभा अहमद के भाई जो नैयर अहमद है वो इसी कंपनी में काम करते हैं, टनलिंग में काम करते हैं, इसलिए वो अंदर मौजूद है। अब यहां की स्थिति हम आपको बता दें, औपचारिक तौर पर अब से कुछ देर बाद इसकी पुष्टि की जाएगी। ये बिल्कुल सही बात है कि 2 पाइप्स हैं उनको वेल्ड करने का काम है, लेकिन वो पाइप थ्रू कर दिया गया है, अब वेल्डिंग का काम है ताकि सुचारू तौर पर आराम से वो सभी जो 41 जिंदगी हैं वो एक एक करके बाहर आ सके और निकल सके और यही वजह है कि हमने इसे क्रॉस चेक किया और फिर उसके बाद अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचाई। अब देखिए यहां की स्थिति क्या है, अब ठीक सामने यहां पर जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद हैं, वही आर्नोल्ड डिक्स जो कि मंदिर के पास दिखाई दे रहे हैं पूजा करते हुए। अब यहां पर देखिए ये जो एम्बुलेंस स्टाफ है ये एम्बुलेंस अपनी साथ लेकर यहां पर खड़े हैं, यहां पर जो एनडीआरएफ के कमांडेंट हैं एसडीआरएफ के कमांडेंट हैं वो अंदर चले गए हैं, डीआईजी ऑपरेशंस मोहसिन शहीदी वो खुद अंदर मौजूद हैं और ये एम्बुलेंस यहां पर खड़ी की गई है, इसके पीछे खड़ी की गई है और यहां पर जो पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ है जो डे 1 से इन सभी 41 वर्कर से बातचीत कर रहा था वो सामने खड़े हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मेडिसिन या फिर उपचार या विटामिन्स की गोलियां या एंटी डिप्रेसेंट उसके अलावा जब उनको और जरूरत थी चीजों की तो वो मुहैया करवाई गई थी, तो ये सभी लोग यहां पे मौजूद हैं। उसके अलावा हलचल तेज हो गई है एनडीआरएफ की जो पैरेलल टीम है यानी बी टीम है जो कि अगर कहीं पे भी कोई घटना घटती है अंदर उसके बाद पैरेलल टीम को यहां पे ऑप्शन के तौर पे रखा गया है। अब यहां पर सबके चेहरे देख लीजिए, आज इतनी खुशी पिछले 17 दिनों में कभी देखने को नहीं मिली जितने आज लोग खुश हैं, सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। मनीष बॉडी लैंग्वेज बता रही है, रेस्क्यू दल की बॉडी लैंग्वेज बता रही है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बहुत हद तक सफलता मिल चुकी है, मजदूरों तक पहुंचा जा चुका है और बहुत जल्द वो तस्वीरें भी इंडिया टीवी पर अपने दर्शकों को दिखाएंगे जब एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन एम्बुलेंस की जो तैनाती वहां पर की गई है, ड्राइवर कितना एक्टिव है और ड्राइवरों को क्या निर्देश दिए गए हैं वो जरा सुनवा देते हैं। सर ये बताइए, आप लोग काफी मुस्तैद हैं और आज रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, क्या एम्बुलेंस वेल इक्विप्ड है? क्या नाम है सर आपका? मेरा अयोध्या प्रसाद पंत। आप क्या काम देखते हैं? मैं फार्मासिस्ट हूँ। जी ये बताइए, सारी एम्बुलेंस को वहाँ पहुँचाई जा रही है? जी जी। कितनी देर में आप लोग वहाँ से लेकर निकलना? वो तो साहब बताएंगे हमारे, हमें जैसा आदेश होगा हम ऐसे करेंगे। जा रहे हैं? हाँ बस, हम बिल्कुल तैयार हैं। कितने यहाँ से लेकर सीधे चिन्यालीस और जाएंगे? जी जी चिन्यालीस और। देखिए एम्बुलेंस को तैनात कर दिया गया है, एक एक करके जो मूवमेंट है एम्बुलेंस का वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है और टनल के ठीक बाहर जो तैनाती है तमाम अधिकारियों की उसे देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुदाई का काम पूरा हो चुका है, जो पाइप है उसे थ्रू कर दिया गया है और आप देखिए मलबा जो अंदर से निकल रहा था जो रेड माइनर्स निकाल रहे थे उस मलबे को कैसे बाहर डंप किया जा रहा है उसके लिए भी बड़ी बड़ी मशीनों को ठीक सिलक्यारा जो आप कह सकते हैं जगह है वहां उस मोड़ पर तैनात कर दिया गया है। मनीष अब जानकारी ये मिल रही है कि पाइप अंदर जा रही है तो बहुत जल्द लेके करके मजदूर बाहर आएंगे, क्या पहले कोई ड्रिल की जाएगी, पहले कोई ब्रीफिंग की जाएगी मजदूरों को? प्राची पहले तो हम बता दें इसमें हमें कोई डाउट नहीं है और औपचारिक तौर पर इसे कंफर्म किया गया है कि पाइप थ्रू हो चुकी है, वेल्डिंग की जा रही है ताकि उसके बाद सभी एक एक करके 41 जो अंदर वर्कर्स हैं वो बाहर आ सके। लेकिन एक और अहम बात है, यहां पर वो एक्सपर्ट्स हैं जो कि चाहे वर्टिकल ड्रिलिंग हो या इस ड्रिलिंग को बहुत ही माइन्यूटली उन्होंने देखा और वर्टिकल ड्रिलिंग का जिम्मा इनके ऊपर था। अभी कितनी राहत की बात है खासतौर पे तब जब आप यहाँ पे मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे एक्सपर्ट के तौर पर भी और साथ में जो काम चल रहा है वहां पर। देखिए वो जो टीम है एनडीआरएफ की वो इस समय अंदर जा रही है और ये तस्वीर एक बार फिर से देखें आप, एनडीआरएफ के जो इस समय एक्सपर्ट्स और रेस्क्यू टीम है वो हाथों में सामान लेकर, स्ट्रेचर लेकर, उसके अलावा रोप लेकर ये सब अंदर जा रहे हैं, लेडर लेकर ये अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसकी अगुवाई कोई और नहीं बल्कि जो 2IC इन कमांड हैं अमित भदानी वो खुद कर रहे हैं और एक एक करके
अब एनडीआरएफ के ये जवान अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये पिछले 17 दिनों में पहली बार ये संभव हो पाया है कि एनडीआरएफ के जवान इस बार मॉक ड्रिल नहीं बल्कि असलियत में अंदर जाकर एक एक कर 41 जिंदगियों को बाहर निकालने के लिए शुरू हो गए हैं। उनके हाथ में लेडर है, उसके अलावा लॉन्चर है, साथ में रस्सियां हैं, की लेकर जा रहे हैं, सीढ़ियां लेकर जा रहे हैं, साथ में जो छोटी जो मशीन्स हैं वो लेकर जा रहे हैं, व्हील वाली जो स्ट्रेचर था जो इन्होंने मॉडिफाई करके बनाया था वो सब लेकर अब अंदर जा रहे हैं। भारत माता की जय घोष के साथ अब ये अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बैकअप सपोर्ट के लिए भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान जिन्हें हिमवीर कहा जाता है वो भी तैयारी में हैं और साथ में उत्तराखंड के एसडीआरएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये एक इस समय पिछले 17 दिनों में जद्दोजहद की हुई एक तस्वीर जो सुखद अनुभूति देती है उन सभी लोगों को जो अपने घरों में बैठकर इन सभी 41 जिंदगियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। कितना ये खुशनुमा माहौल है और खासतौर पर जो आप मेहनत कर रहे थे आप देख सकते हैं, हम सब लोगों की मेहनत, जितनी भी टीम लगी हुई है सबकी मेहनत सफल होती हुई लग रही है। अंदर सब थ्रू हो चुका है, अलाइनमेंट थ्रू हो चुका है, अभी एनडीआरएफ की टीम भी अंदर जा चुकी है, वो जल्द ही लोगों को निकालने का काम शुरू करने वाले हैं। आपको क्या जिम्मा सौंपा गया था और कैसे हमें वर्टिकल ये फेलियर क्या होगा, मशीन जो फेल हो गई थी उसके बाद हमें वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए सौंपा गया था कार्य और वो भी हमने सक्सेसफुली कर रहे थे, परंतु कल रात से इन्होंने रात में रुकवा दिया क्योंकि अंदर कुछ कोलैप्स हो सकता है, इसलिए रुकवा दिया गया था हमारा कार्य। और अभी ये रेट मैनुअल थ्रू होने के बाद कितनी खुशी है आप लोगों को? बहुत खुश है हम लोग, हम इतना खुश हैं आप लोग। देखिए इसके लिए सब, एक तो सब लोग बधाई के पात्र हैं जो भी यहाँ पर आए हैं। आप देखिए तस्वीरें, देखिए एम्बुलेंस अब बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। ये पहली एम्बुलेंस है जो अंदर गई थी, इसके साथ सामान था, इक्विपमेंट था, मेडिसिन था और इसके अंदर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और ये एम्बुलेंस अब बाहर निकली है। अभी पाइप थ्रू हो चुकी है, उसके अंदर से जो जवान हैं वो जाएंगे एनडीआरएफ के, फिर उसके बाद उसे क्लियर करेंगे और ये एनडीआरएफ के ऑफिशियल्स के साथ ये पहली औपचारिक घोषणा अब से कुछ देर बाद होगी। ये वो एक्सपर्ट्स की टीम है जो यहाँ पर लगातार थे। कितनी खुशी है इस बात की कि अब ये पाइप थ्रू हो गई है? हमें बहुत खुशी है, सारे टीम एफर्ट से सभी हम लोगों का काम सफलता मिली है। 17 दिन के बाद हमको जाके सफलता मिली, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए भी मेहनत किया, अल्टरनेट ऑप्शन पे हम लोगों ने ड्रिफ्ट बनाने का भी प्लान किया था, वो ड्रिफ्ट बनाने का काम भी स्टार्ट हो गया था, बट लेकिन हमें खुशी है कि हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से हम बाहर पा गए हैं और एनडीआरएफ की टीमें अब अंदर जा रही हैं और कुछ ही समय में लोग बाहर आने शुरू हो जाएंगे और अंदर से हम उनको 41 फैमिलीज को, 41 मजदूरों को बाहर सुगत ले पाएंगे और उनको शिफ्ट कर पाएंगे। आपका क्या नाम है, क्या जिम्मा? मेरा नाम रविशंकर कंडारी है, मैं राइट्स में काम करता हूँ। हम लोगों को जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो ड्रिलिंग होनी थी उसके लिए जिम्मा दिया गया था कि जो सही जगह पे हो रहा ना उसके लिए हम अलाइनमेंट के लिए कोऑर्डिनेट्स जितने भी थे उनको हमें जिम्मेदारी थी कि हम उसको वेरीफाई करें कि जो भी देखें, जिसका हम जिक्र कर रहे थे भारतीय सेना के ऑफिसर्स जिसमें कर्नल परीक्षित, प्रोजेक्ट मैनेजर कर्नल दीपक पाटिल, उसके अलावा ब्रिगेडियर एसपी सिंह, ये बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस समय जो मेजर कर्नल जोशी हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के और 201 मैड्रास सेपर्स के कमांडिंग ऑफिसर वो बाहर निकले हैं, उसके अलावा एनडीआरएफ के कमांडिंग ऑफिसर बाहर खड़े हैं, 2IC यहाँ पर सेकंड इन कमांड जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपको जो जिम्मा सौंपा गया था वो क्लियर करते हुए क्या किया आप लोगों ने और अब कितना सुखी सुख की अनुभूति है जब ये क्लियर हो गया है? देखिए हम लोग तो अल्टरनेट ऑप्शंस देख रहे थे लेकिन जो अभी यहाँ से निकल रहे हैं लोग और जो सबसे नजदीकी जो हमारा प्रोसेस था वो सफल हो पाया, इसके लिए हर लोग बधाई के पात्र हैं। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो भी लोग जिन्होंने किसी भी रूप में यहाँ पे रहे हैं और इससे जुड़े दिए हैं, अपना योगदान दिया, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। कितना मुश्किल लग रहा था, ऊपर बारिश हो गई, फिर आपको कहा काम रोकने के लिए, तभी बता दिया था कि हम बहुत पास हैं ब्रेक थ्रू के। बिल्कुल बिल्कुल, आज सुबह ही हमें जानकारी मिल गई थी कि हम बिल्कुल नजदीक जा चुके हैं और रात में हमारा कार्य रुकवा दिया गया था कि फर्दर ना करें क्योंकि अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है, उस डिस्टर्बेंस को अवॉइड करने के लिए कि रेट मैनुअल जो ड्रिलिंग चल रही थी उसमें कोई फाल ना हो, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए हम लोगों को रोक दिया गया था। और ये राइट्स के वो अधिकारी हैं जो कि पूरा जिम्मा इनके ऊपर था। अब एक बार फिर से देखिए आप, एम्बुलेंस के अंदर यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है, स्ट्रेचर रखा गया, उसके अलावा जो सामान है वो रख लिया गया है,
पैरामेडिक्स डॉक्टर्स की टीम है, यहाँ पर लेडी डॉक्टर भी मौजूद है, साथ में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, कुल मिला के 20 की संख्या में डॉक्टर्स और करीबन 25 से ज्यादा की संख्या में पैरामेडिक्स की टीम और नर्सिंग स्टाफ करीबन 70 की संख्या में है। यानी कुल मिला के 100 का वो आंकड़ा है जहां पर जो बाहर 41 जिंदगियां निकलेंगी तो उन सबके उपचार के लिए, प्राथमिक उपचार के लिए सबसे पहले ये सब देखा जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है गब्बर सिंह नेगी और सभा अहमद की भूमिका। गब्बर सिंह नेगी जो यहाँ पर सुपरवाइजर हैं, सीनियर सुपरवाइजर हैं, उसके बाद जो सभा अहमद जो सीनियर फोरमैन है, दरअसल इन दोनों ने बेहद बहादुरी के साथ पिछले 17 दिन इन सबको संभाला, देखा, ध्यान रखा। और इसीलिए आप देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर अब ले जाया जा रहा है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो एम्बुलेंस के अंदर रखा जा रहा है ताकि अगर किसी का SpO2 लेवल कम होता है या अगर 90 से नीचे है तो उसको तुरंत ऑक्सीजन की मदद दी जाए, और इसीलिए उस एम्बुलेंस के अंदर रखा जा रहा है जो कि अंदर अब जाएगी। हम आपको ये भी बता दें जिस तरीके की सिचुएशन बनी, आज हालात बहुत अलग थे और इसीलिए सुबह से जब ये काम किया जाने लगा तो उसमें काफी सारी बाधाएं ना आए, इसलिए वर्टिकल ड्रिलिंग रोकी गई। हम आपको एक एक करके सबके नाम बता दें। मैं अपने कैमरा पर्सन राजेंद्र से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाई, देखे ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर अंदर रखते हुए सबसे पहला नाम गब्बर सिंह नेगी, जिन्होंने 41 दिन तक बहादुरी के साथ सभी का हौसला बढ़ाया। इन्होंने कहा कि मैं सबका ध्यान रखूंगा, आखिरी में आऊंगा जब तक सब निकल नहीं जाते। सभा अहमद जिन्होंने एक साथ मिलकर सभी लोगों का ध्यान रखा, उनको खाना पहुंचाया, और गब्बर सिंह नेगी और सभा अहमद ने ही सबसे पहले डीवॉटरिंग टनल से, डीवॉटरिंग पाइप से पानी डालकर ही कहा कि हम सब जीवित हैं। और दिवाली की सुबह 5:30 बजे के बाद का वो समय था। उसके बाद सोनू शाह तालुकदार, मानर तालुकदार, सेविक पुखेरा, अखिलेश कुमार, जयदेव, वीरेंद्र, तपन, सुशील, विश्वजीत, सुबोध, भगवान, अंकित राम मिलन, सत्यदेव, संतोष, जयप्रकाश, राम सुंदर, मंजीत, अनिल बेदिया, साजिद बेदिया, सुखराम, टिंकू सरदार, गुनाधोर, रणजीत, रविंदर, समीर, ये कुल मिला के वो 41 नाम हैं जिन्होंने दिन और रात इस टनल के अंदर अपने लिए प्रार्थना की, अपने लिए हर चुनौती को स्वीकार किया और निकलने के लिए पूरी तैयारी की। इससे पहले कि हम आपको बता दें कि औपचारिक तौर पर अब से कुछ देर बाद इसकी पुष्टि हो जाएगी, जो यहां पर सीनियर अधिकारी मौजूद थे उन्होंने इंडिया टीवी को इस बात की पूरी जानकारी दी है कि अब पाइप थ्रू हो चुका है, और पाइप थ्रू होने के साथ यहां पर जो लोग मौजूद हैं वो अब जल्द से जल्द अंदर जाएंगे और फिर उसके बाद यहां से निकल पाएंगे। हम एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं कि जो अंदर लोग मौजूद हैं उनसे आपकी हम डायरेक्ट बात करा सकें, जो रेस्क्यू टीम का हिस्सा है, जो एक्सपर्ट टीम का हिस्सा है। और एम्बुलेंस एक बार फिर से अंदर जाते हुए दिखाई दे रही है। एम्बुलेंस के जरिए मेडिसिन भेजी जा रही है क्योंकि वो 41 दिन से अंदर हैं, इसीलिए बाकी साजो सामान, जो इनिशियल जो चीजें हैं वो भेजी जा रही हैं। और इस बात से ये सुकून मिलता है कि अगले कुछ घंटे जब यहां से 4400 इनको ले जाया जाएगा तो एक सुख की अनुभूति इनके परिवार के लोगों को होगी। इसीलिए इनके परिवार को कहा गया कि आज वो अपने सारे कपड़े, सारा सामान रख ले। एम्बुलेंस एक बार फिर से अंदर जा रही है। ये वो एम्बुलेंस है जिसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए थे, करीबन 6 ऑक्सीजन सिलेंडर इस एम्बुलेंस के अंदर रखे गए और फिर अब उसे लेकर अंदर जा रहे हैं। 17 दिन का लंबा स्ट्रगल, 17 दिन में कई ऐसी चुनौतियां आई जिसको पार पाना बेहद मुश्किल था, इसीलिए बैक टू द बेसिक करते हुए यहां पर कोशिश की गई कि जो रेट माइनर्स, जो 12 एक्सपर्ट हैं, उन्हें दिल्ली से बुलाया गया, बुलंदशहर से बुलाया गया, और जो वकील खान इसके अगुवाई कर रहे थे रेट माइनर्स टीम के, उसके अलावा मोनू कुरेशी, इन्होंने बहादुरी का परिचय देते हुए सबसे पहले वो अंदर गए। उसके बाद पाइप के अंदर जाने के बाद उन्होंने हाथों से, खुरपी से उसे काटा, जो सरिया आ रहा था, जो लोहा आ रहा था उसको काटा, काटने के बाद उस पूरे एरिया से जो मलवा है उसको बाहर निकाला। भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल्स कर्नल परीक्षित मेहरा, जिन्होंने अटल टनल के ऑपरेशन को लीड किया था, वो सामने थे, ब्रिगेडियर SP सिंह सामने थे, 7 मैकेनिकल टीम के मेंबर जो नव्युगा कंस्ट्रक्शन और ट्रेंचलेस कंपनी है उसके मौजूद थे, और इन सब ने एक क्लोज सर्कल टीम बनाई, और इस टीम के बाद ये ऑपरेशन कल दोपहर करीबन 1 बजे लॉन्च किया गया, और तब से लेकर आज यानी करीबन 24 घंटे के बाद ये सफलता मिल गई है जब पाइप से आमने सामने 41 जिंदगियों को देखा जा सकता है। जनरल VK सिंह इस समय खुश हैं, काफी सुख की अनुभूति है क्योंकि पिछले 7 दिनों से वो यहीं पर कैंप करके बैठे थे और वो इंतजार कर रहे थे कब जल्द से जल्द 41 जिंदगियां बाहर निकले।
हमने उनसे बात की, उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि जब तक ये 41 नहीं निकलेंगे तब तक हम बाहर नहीं जाएंगे। चारों तरफ इस समय वादियों में भारत माता की जय घोष और जो स्थानीय देवता हैं उनकी जय घोष के साथ यहाँ पर गूंज आ रही है। वो देखिए स्थानीय लोग यहाँ पर आए हैं और स्थानीय लोग यहाँ पर जो स्थानीय देवता हैं उनकी जय घोष के साथ यहाँ पर भारत माता की जय बोल रहे हैं। तो ये इस समय वो जगह है, वो स्थिति है जो कि अपने आप में बयां करती है कि अब यहाँ पर तस्वीर सुखद है और अब से कुछ देर बाद 41 जिंदगियां घर वापस जा पाएंगी। हम आपको फिर से बता दें क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत टफ था, भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा टनल का ऑपरेशन था जिसमें 41 जिंदगियां 17 दिन तक अंदर फंसी रही। उन्होंने खुद अपनी देखरेख की, बाहर से उनको सपोर्ट दिया गया, कम्युनिकेशन सेटअप किया गया, रेडियो सेट, बैटरी, चार्जर, उसके अलावा खाना पहुंचाया गया। लेकिन हम आपको बता दें दिवाली के दिन सुबह 5:30 बजे जब ये टनल कोलैप्स हुई थी उस समय ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी ये खत्म होगा ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशन में चुनौतियां बढ़ती गई, मशीन्स खराब हुई, अमेरिकन ऑगर मशीन बुलाई गई वो खराब हुई, उसके बाद और तीसरी मशीन बुलाई गई लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, 3 बार ब्लेड चेंज किए गए, उसका जो पूरा स्ट्रेंथ था उसे कम किया गया। साधारण शब्दों में आप समझिए कि ऑगर मशीन भी कामयाब नहीं हुई, इसीलिए प्लेटफॉर्म टूटा, ये सब कुछ होता रहा। तब जिम्मा संभाला रैट माइनर्स ने, और रैट माइनर्स जो कि दिल्ली के खजूरी खास के रहने वाले हैं, ट्रेंचलेस कंपनी में काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, देखिए एक्साइटमेंट बहुत है, लोग क्या कह रहे हैं जरा वो सुनवा देते हैं। इस क्षेत्र का प्रधान देवता है और